सिखाएंगे कि भाग कैसे की जाती है पांच अंकों की संख्या की। ठीक है, इसका फार्मूला है। देखिए, कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे पांच अंक, पांच, तीन, दो, एक, दो। ठीक है, ये 53,210 की संख्या है, पांच बीज संख्या है, इसको हम करना है पांच से। ठीक है, इसका फार्मूला ये है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, पांच का हमें इंटू आना चाहिए, पहाड़ा आना चाहिए इसका, पांच का यहाँ पे लिख लेते हैं। एक गुणा पांच, दो गुणा दस, तीन गुणा पंद्रह, चार गुणा बीस, पांच गुणा पच्चीस, छह गुणा तीस, सात गुणा पैंतीस, आठ गुणा चालीस, नौ गुणा उनतालीस, दस गुणा पचास। पांच का यहाँ पर पहाड़ा लिख लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको देखना है किस पे जाएगा। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, इसको यहाँ से शुरू नहीं करते भाग करने के लिए, इसके नीचे से शुरू करते हैं। पांच को सबसे पहले देखना किस पे जाएगा, ये जाएगा दस पे। पांच और तीन रकम है ना, 53 रकम है, इसको जाना दस पे। पहले यहाँ पे दस लिख देना है, उसके ऊपर इसके नीचे 50 लिख लेना है। ठीक है, नीचे लाइन लगा के तीन हो गया, बाकी 50 में 53 में से 50 दे तीन, तीन की संख्या नीचे आ गई। इसके बाद क्या करना है कि दो की संख्या को भी नीचे उतार के लाना है, पांच तीन से जाएगा नहीं, इसीलिए दो की संख्या को नीचे उतार लिया। कितने हो गए, 32। ठीक है, अब 32 को किस में जाएगा, छ पे। पांच को छ से करेंगे 30 आएगा, ये छ ऊपर लिख दिया, छ बजे 30 आ गया दो। ठीक है, एक और ऊपर से उतार लिया, जो संख्या होगी 21। अगले दिन किस में से जाएगा, चार के ऊपर, चार लिख लिया, नीचे 20। इसमें कितना बच गया, एक, ऊपर से कितना उतारा, जीरो। अगले दिन किस में जाएगा, अब जाएगा दो पे, नीचे आ गया 10, पांच दो में 10, ये कट गया। 53,210 को पांच के साथ करने से हमारा आंसर आता है 10,642। ये अपना आंसर है, पांच डिजिट संख्या को एक के साथ भाग करने पर ये आंसर आता है। इसी के साथ हम दूसरे भी कर सकते हैं, जैसे 6 के साथ कर सकते हैं, 10 के साथ कर सकते हैं, 20 के साथ कर सकते हैं, ऐसे ही उनके यहाँ पे पहाड़ी लिख लेने हैं और उसको काट के कर लेने हैं, बहुत सिंपल। थैंक यू, आगे हम आगे और बताएंगे।